morning, student. Today we are going to discuss the chemical properties of metals and non-metals. Yesterday we have read that how the metals and non-metals react with oxygen. Now today we are going to start the lecture with the activity, right? On the right hand side you have this container having some water and a piece of sodium covered with cotton put into the water, right? Now I am discussing the steps. Take 250 ml beaker, fill half of it with water, carefully cut a small piece of sodium metal, put the sodium piece into the beaker, okay, after covering the cotton. After reaction stops, touch the beaker, it becomes very hot, right? Now test the solution with litmus paper, it turns red, litmus blue. ये कोई कंटेनर है, बीकर है 250 ml का. हमने इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया, वाटर ले लिया 250 ml का है, तो हाफ यानी 100 ml या 125 ml आपने वाटर ले लिया. उसके बाद हम इसके अंदर सोडियम का टुकड़ा डाल दें, ठीक है? जैसे ही सोडियम का टुकड़ा डालते हैं यहाँ पे एक ये इट कैचेस द फायर, आग से लग जाता है, राइट? एंड आफ्टर द रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर हम उस ग्लास को टच करते हैं तो होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, ठीक. हुआ क्या है कि वहाँ पे एक रिएक्शन हुई है, रिएक्शन के कारण वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई. अब जो सॉल्यूशन बचा है हमारे पास रिएक्शन के बाद, उसे अगर हम टेस्ट करें लिटमस पेपर से तो रेड लिटमस जो है ब्लू हो जाता है. इसका मतलब जो सॉल्यूशन वो क्या बन गया, क्या बन गया, बेस. तो द रिएक्शन इज दैट सोडियम प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू NaOH, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज द बेस. इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि मेटल जो है वो पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, वाटर के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है. लेकिन अगर नॉन मेटल को डालते हैं हम पानी में तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं. नाउ आई एम कंपेयरिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर. सोडियम रिएक्ट्स विगरेसली विद वाटर, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है. अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, इसलिए सोडियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल के साथ, ठीक. जबकि आयरन जो है वो भी मेटल है लेकिन वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है विद वाटर. नॉन मेटल की बात करें तो इसमें फॉस्फोरस नॉन मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. ये जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, लेकिन आप देखेंगे तो उसके एयर में नहीं रखा जाता बल्कि उसे पानी में स्टोर किया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. तो हम क्या करते हैं, उसे वाटर में स्टोर करके रखते. इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, राइट. नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर सिक्स. टेक द सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, छोटे छोटे टुकड़े जो है मेटल और नॉन मेटल के लिए. अब आप 5 टेस्ट ट्यूब्स लो ABCDE और इनमें थोड़ा थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एसिड होता है. अब हम एसिड की बात कर रहे हैं, जो अभी हम पिछले वाले उसमें टॉपिक में वो वाटर का कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है. यहाँ हम ये देखेंगे कि वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल या नॉन मेटल. तो हमने क्या करा, वो जो सैंपल्स हमने लिए थे मेटल और नॉन मेटल के, उनको टेस्ट ट्यूब में डाला. अलग 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 मेटल के टुकड़े, कुछ नॉन मेटल के टुकड़े जो है ए में डाला मेटल, बी में डाला मेटल, सी में नॉन मेटल, डी में नॉन मेटल, फिर मेटल, मान लिया इस तरीके से किया. तो हम ये देखते हैं कि जहाँ हमने जिन जिन टेस्ट ट्यूब में मेटल डाला है वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है. और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगता है,
जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वहाँ पर पॉप साउंड आती है, पॉप की आवाज़ आती है, ठीक। लेकिन अगर उसी एसिड में हम नॉन मेटल को डाल दें तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। ये एक्टिविटी आपको बता रही है कि मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक। तो कंक्लूजन क्या निकला, रिएक्शन विद एसिड्स में नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है ना, पॉप की आवाज आएगी। अब वो पॉप साउंड इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब रिएक्शन बनेगी मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल मेटल इज जिंक, एसिड इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट टर्न्स इनटू जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बन जाता है विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ये बात थी रिएक्शन विद एसिड्स। अब बात करते हैं बेस की, बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो टेक अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ द बेस, ठीक है ना। तो इस बेस को लेना एक टेस्ट ट्यूब, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना टेस्ट ट्यूब। नाउ ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, अब आप एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना घरों में जिसमें हम खाना पैक करते हैं, रोटी पैक करते हैं, उसका एक टुकड़ा डाल देना इसमें जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देखेंगे फिर से पॉप साउंड आ रही है। इसका मतलब वहाँ पे क्या बनी है, हाइड्रोजन गैस। अब अगर आपको इसको और क्लियर करना तो आप माचिस जला के मैच स्टिक को मुंह पे ले जाओ टेस्ट ट्यूब के, एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो आप देखेंगे वहाँ पे पॉप साउंड आती है, जलते समय उसकी पॉप साउंड आती है, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब कल हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे और उसके साथ हम मेटल्स और नॉन मेटल का क्या यूज है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।